अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान ने साबित चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा को पार्टी में शमूलियत की दावत देने से मुतलिक सवाल पर जवाब दिया। साफियों से गुफ्तगु में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा की मौजूदा कौमी असेंबली जायज नहीं, लिहाजा दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। 26वीं यानी तमीम के बाद भी हुकूमत का नहीं बल्कि अपोजिशन का हिस्सा हूँ। इस दौरान साफी ने सवाल किया, क्या मौजूदा हुकूमत ऐनी मुद्दत पूरी करेगी? मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, मुझे अपने बारे में नहीं मालूम तो किसी का क्या बताऊं। साफी ने सवाल किया, काजी फैजीसा को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावा देंगे तो सरबरा JUI ने कहा, उम्मीद है उलमा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों नहीं समझा जाता। अपनी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि जहाँ तक सूद का मसला है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, शरीयत कोर्ट का फैसला किसी दरख्वास्त या अपील से अड़ेगा नहीं। एक साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। इनका मजीद कहना था, जनवरी 2028 से हर शोबे में सूद का कारोबार खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने से जो निजाम चला आ रहा है वो बदस्तूर बरकरार है। इनका कहना था कि हम असूली तौर पर किसी भी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात और जलसे जुलूस पर तशद्दुद और सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों के कायल नहीं है। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खुश आमदीद कहता हूँ और इनके लिए दुआगो हूँ। इनसे मुतालिक पार्लियामेंट का रूल सामने आ गया, पार्लियामेंट के किरदार के बाद जो सवालात उठते हैं इनका रास्ता बंद हो जाएगा।